हमारे साथ खुद योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। जी प्रणाम, आप सबको भी बहुत बहुत मेरा अभिनंदन है और आपको भी बधाई है इस राष्ट्रीय युद्ध के एक चरण की पुनाहुति पर। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प को आप पूरा करने के बाद 9 महीने के बाद आप इस वक्त हरिद्वार पहुंचे हैं, दृढ़ संकल्प था, लेकिन आज जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अपने योगदान को किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, इसमें लाखों कार्यकर्ताओं की और करोड़ों देशभक्त नागरिकों की सहयोग की आहुति लगी है जी, और इस पूरे अनुष्ठान में हमारे श्रद्धेय संतों का जी, पूज्य मुरारी बापू, पूज्य रमेश भाई जी, पूज्य गुरशान जी और तमाम हमारे महामंडलेश्वरों का, अलग अलग अखाड़ों के जो हमारे संत महापुरुष हैं जिनके लाखों करोड़ों में अनुयायी हैं जी, और इस देश की सारी राष्ट्रवादी शक्तियों के एकजुट होने का ये परिणाम है कि भगवान के अनुग्रह से जो एक असंभव सा काम दिखता था हिंदुस्तान में, उस काम पूर्णता मिली है। तो मैं तो यही मानता हूं कि इस राष्ट्र यज्ञ में बीजेपी और संघ के साथ भारत स्वाभिमान जैसे गैर राजनीतिक संगठन जी, जिन्होंने इस परिवर्तन की जमीन तैयार की जी, और उसमें मोदी जी ने ये सुशासन के बीज बोए, आज वो पुष्पित पल्वित हो रहा है पूरा काम, और पूरे देश में एक पार्टी और खानदान ने जो कीचड़ ही कीचड़ कर दिया था उसमें चारों ओर कमल खिला जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में भी देश आगे बढ़ेगा। स्वामी जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और बीजेपी की सरकार लाने के लिए आपका योगदान काफी अहम रहा है, खुद बीजेपी के नेताओं ने आपकी तारीफ की है, देश के बापू या राष्ट्रपिता से आपकी तुलना अरुण जेटली ने की, तो आप क्या मानते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जिन चीजों को आप लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिन मुद्दों को आपने उनके सामने रखा था, मुद्दों की आपने बात कही थी, उन्हें नरेंद्र मोदी पूरा करने में सक्षम रहेंगे? मैं इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूं जी कि मोदी जी काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जो हमने बीच में उम्मीद जगाई, उन आशाओं और अपेक्षाओं को जी पूरी दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे और इस देश को दिव्य, भव्य, आध्यात्मिक, आर्थिक शक्ति संपन्न, जगत गुरु, विश्व गुरु बनाने के लिए पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे, भय, भूख और गरीबी से इस देश को मुक्त बना करके पूरी दुनिया में सम्मान दिलाएंगे और हम सब श्रीमान के साथ जी पाएंगे, इसमें मुझे किसी भी तरह की कोई आशंका नजर नहीं आती है। स्वामी जी, जिस तरीके से लगातार आपका संघर्ष चलता रहा है, पूरा जीवन आपका संघर्ष में रहा है, चाहे रामलीला मैदान से लेकर यहां तक की अगर स्थितियों की बात की जाए, उससे पहले की बात की जा सकती है, एक संकल्प आपने जो है पूरा किया है, दृढ़ संकल्प जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, काफी ज्यादा मुश्किलात इस संकल्प में आने वाली थी लेकिन पूरी जरूर हुई है, अब माना जाए योग गुरु बाबा रामदेव आगे भी अपना इसी तरीके से क्रांतिकारी जीवन जो है शुरुआत रखेंगे और आगे भी अगली सरकार के सामने भी इसी तरीके की चुनौतियों को सामने रखते रहेंगे? देखिए,